आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूपिका लियाकत है। 4:50 हो रहा है, यानी वक्त हो गया है न्यूज 18 इंडिया पर गूंज का। अब से ठीक 62 घंटे बाद देश में छठे चरण का मतदान शुरू होगा। इसी छठे चरण में देश का दिल दिल्ली भी है। पिछले दो बार से दिल्ली में क्लीन स्वीप कौन कर रहा है? बीजेपी। लेकिन इस बार बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर नए चेहरों को उतार दिया है। उधर पहली मर्तबा हाथ और आप यानी हाथ के हाथ में झाड़ू आ गया है। सीट शेयरिंग इतनी रोचक है कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे और केजरीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक पंथ दो काज कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे भाई, अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए तो वो लगातार प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन कभी विरोधी रही कांग्रेस का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ। कभी जेपी अग्रवाल के लिए रोड शो कर रहे हैं, कभी कन्हैया कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं, कभी उदित राज के लिए गली गली घूम रहे हैं। लेकिन लेकिन पेज कहां आ रहा है? इंटरेस्टिंग कौन सा मोड़ है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिल्ली का रुख अब तक नहीं कर पाए। आज ही दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी से ये सवाल पूछा गया, जवाब क्या आया आप सुनिए। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, प्रचार भी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो आपके कैंडिडेट के लिए प्रचार करते हुए क्यों नहीं नजर आते? देखिए, कल ही शाम को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी ने साउथ दिल्ली लोकसभा में एक बड़ी सभा, एक ग्रामीण महापंचायत करी थी 23 तारीख को। पूर्वी दिल्ली में भी एक ग्रामीण महापंचायत करने वाले हैं। सुना आपने, इस पर जवाब ठीक से नहीं मिला। हो सकता है दोनों पार्टियों ने एक रणनीति बनाई हो कि जहां जो ताकतवर होगा वहां उसकी मौजूदगी ज्यादा रहेगी, और शायद इसीलिए ना राहुल आ रहे हैं, ना प्रियंका आ रही, ना खड़गे जी आ रहे हैं। यहाँ ताकतवर अरविंद केजरीवाल है, इसलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लोकतंत्र में चुनावी स्ट्रैटेजी जरूरी है, और इसीलिए दिल्ली का चुनाव बहुत रोचक हो चला है। रोचक तो ये भी रहा कि केजरीवाल कन्हैया कुमार के प्रचार में रिंकिया के पापा को ले आए। आप सुनिए, रिंकिया के पापा गाने वाले मनोज तिवारी ने उसके बाद कैसे सीधा अटैक किया है, मामला बिल्कुल इमोशनल कर दिया। सुनिए, यहाँ पे आपको पंखे का बटन मिलेगा, 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया के पापा मतलब बिटिया के पापा, आप बेटियों के पिता के बहुत लंबे समय से दुश्मन हैं, आप तो बेटियों के भी दुश्मन हैं। आपके घर में एक बेटी को पीटा जाता है, स्वाति मालीवाल को उनके घर में गिरा करके पटक पटक के मारा जाता है। तो दिल्ली में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। 25 मई को मतदान आप अपना कीजिएगा जरूर, ये हमारी आपसे इल्तिजा है, अनुग्रह है और आग्रह भी है। लेकिन गूंज में आज बात दिल्ली के दंगल की होगी। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दिल्ली के सत्य पर किसका चलेगा इक्का, इस पर बहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्टूडियो में उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। शहजाद नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। स्टूडियो में ही जुड़ने वाले हैं संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक। संगीत रागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, प्लीज अपनी जगह ले लीजिए। तो चुनावी दंगल बहुत रोचक हो चला है, और जो बाकी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे भी आपका तारुफ करवा देती हूँ। स्क्रीन पर आपको रवि श्रीवास्तव दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देंगे इनफैक्ट अब से कुछ ही देर में, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से, उस कोर टीम में से एक रहे हैं। और हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए पंकज जी भी जुड़ चुके हैं, पंकज शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और आपको ये बता दूं कि पत्रकारिता का अच्छा खासा अनुभव है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, 7 में से कितने नंबर? और मैं बता रही हूँ, ये गूंज जो है ये 2020 मैच है, फटाफट अपनी बात रखिए, अपने तर्क रखिए और आगे बढ़िए। रवि जी, शुरुआत आपसे। 7 में 7 रूबिका जी, पूरी ताकत के साथ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी सीटें लाएंगी दिल्ली के अंदर, और ये ऐतिहासिक होगा।
क्योंकि ये दो पिछले चुनाव में भाजपा को क्लीन स्वीप मिला था, इस बार बिल्कुल बाजी पलट गई है। और जिस तरह का माहौल मोदी सरकार ने दिल्ली में बनाया और जिस तरह से आप सरकार को काम नहीं करने दिया, उसका पूरा बदला दिल्ली की जनता वोट करके लेगी, जेल का बदला वोट करके लेगी। ये आप विश्वास तो इस फैक्टर में स्वाति मालेवाल है कि नहीं है? इंडिया सिर्फ जेल याद रहेगा, स्वाति मालेवाल के आरोप याद नहीं रहेंगे दिल्ली वालों को? वो तो स्टंट है भाजपा का, उसको ऐसे तो कई काम किए, अभी अभी एक विदेशी चंदे का भी कुछ मुद्दा लेके आ गए थे, वो चुनाव के पहले हर बार करते हैं। विधानसभा चुनाव हुए थे तो वक्फ बोर्ड इस जगह शहजाद पूनावाला पर ये आरोप लगा होता वो सब कि उन्होंने वो किसी सब महिला के साथ बदजुबानी की है, बदसलूकी की है, तो आप लोग जंतर मंतर पर बैठ जाते। और आप इसे कह रहे हैं स्टंट, क्योंकि वो महिला आपके खिलाफ बोल रही है, मारपिटाई के आरोप लगा रही है, थोड़ा तो आप इस चीज की इज्जत रखेंगे ना, थोड़ा तो लिहाज रखेंगे ना आप। शहजाद पूनावाला, मुझे जो कहना था सर कह दिया, आपको जो कहना था आपने कह दिया। मामला कोर्ट में है ना? हाँ ठीक है, मामला कोर्ट में, मामला तो कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह का भी था, वहां तो आपने आरोप एकदम तय कर दिए थे, दोषी भी करार दे दिया था, और यहाँ पर स्टंट है स्वाति आरोप मालेवाल का। वाह भाई गजब है, आरोप तय हो चुके हैं, शहजाद पूनावाला लड़के को टिकट भी मिल चुकी है उनके तो। शहजाद पूनावाला सात में से सात ला रहे हैं, रवि श्रीवास्तव के चेहरे की इस मुस्कान तो देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। देखिए पहले भ्रष्टाचार, फिर दुराचार, फिर दुष्प्रचार और अब इमोशनल अत्याचार, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। दिल्ली में 2019 में भी आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही थी सात में से सात मिलने वाले, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में रवि जी रोज डिबेट में बैठते थे संगीत जी और मेरे साथ, तो बोल रहे थे तीन में से तीन स्वीप की जाने वाली है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, पर आज फिर से सात में से सात। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, एक मॉडल जो आम आदमी पार्टी जिसको भुनाती है पूरे देश में, वो दिल्ली मॉडल, जब वहां पर वो सात सीट लड़ने को तैयार नहीं तो सात में से साथ कैसे मिलेंगे? और आप देख लीजिए कि केवल एक लॉजिकल बात कीजिए, हम लोग 56% के वोट शेयर में बैठे हैं। हाँ। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वैसे एक साथ भी आ जाए तब इनका वोट शेयर 40% आ रहा है, ये घटने वाला है फिर भी, क्योंकि जिस प्रकार से झाड़ू से दारू तक आए, स्वराज से शराब तक आए, निर्भया आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी आज विभव कुमार के साथ खड़ी है, इन चीजों को देखते हुए दिल्ली की जनता ने भी आइडेंटिफाई कर लिया है, बच्चों की सौगंध खाते थे कि इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, आज इनकी गोद में बैठे। पंकज जी, रवि जी मैं मौका दूंगी, लेकिन पंकज जी मैं चाहती हूँ इस पर जवाब दे आप, ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर दिल्ली मॉडल इतना सक्सेसफुल था तो सातों की सातों सीटों पर जाते ना, जैसे पंजाब में किया था। देखिए पिछली बार दिल्ली की सात सीटों पर 57-63% के बीच मतदान हुआ था, अब इस बार देखिए कि कितने प्रतिशत होता है, और फिर दो चार दिन बाद निर्वाचन आयोग के जो रिवाइज फिगर्स आएंगे उसके साथ उसका प्रतिशत क्या रहता है, तो जीत हार का काफी दारोमदार इस तथ्य पर भी रहेगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सातों सीटें जीती और उसको 56% वोट मिले थे, 2014 के मुकाबले में उसको करीब 10% वोट ज्यादा मिले थे। कांग्रेस सारी सीटें हारी मगर उसके 7.5% वोट 2019 में बढ़े थे, करीब 23% वोट उसको मिले थे, तो आम आदमी पार्टी के 14% वोट कम हुए थे 2019 में, कुल 18% वोट मिले आम आदमी पार्टी को और 23% मिले कांग्रेस को। अब इस बार चूंकि ये दोनों एक साथ लड़ रहे हैं तो 41% वोट शेयर तो इनके पास है, 56% जो वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को इस बार उसमें से कम 15-17% वोटों की कमी आएगी, इतना घाटा दिल्ली में, वैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत घाटा हो रहा है पर दिल्ली में इतना घाटा हो रहा है। तो जो सातों सीटें हैं उनमें से जो पश्चिमी दिल्ली में सबसे कम सीटों से कम वोटों से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार वहां उनका उम्मीदवार और भी कम। पंकज जी एक आपने आपने सारी बातें समझाई और वो हम बकायदा वो आंकड़े बता भी रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी को घाटा या एनडीए को घाटा तो इसका कुछ तो इंडिया गठबंधन के पास आता, वो तो आता हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं आता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार सिर्फ दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली से थोड़ी सी उम्मीद है। संगीत रागी जी बस दो जगह उम्मीद लगा कर बैठे बीजेपी, बाकी सब सफा हो रहा है। ऐसा है
एक देहात में एक कहावत थी, हाँ। टांग उठता नहीं है और हाथी की सवारी करने के लिए, तो आम आदमी पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ यही है। रावण के साथ युद्ध में राम ने कहा था, रावण यही दुर्दशा का नाम है, तो वही कांग्रेस पार्टी अपने दुर्दशा की स्थिति में है। इतिहास की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम स्तर पर आई हुई है। और अरविंद केजरीवाल से लोग ये पूछेगा कि स्वाति मालीवाल के पिटाई होने से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी के बीच में कितना झगड़ा हुआ था, किसने स्वाति मालीवाल को पिटवाया, अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने पिटवाया या अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया, और वो लोग कहाँ पर थे उस समय, इसका वीडियो फुटेज आना चाहिए। जो एक महिला को पिटवाए मुख्यमंत्री, जो अपने जिसके खिलाफ पुलिस लुकआउट है, वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपने घर में छुपाए, शराब घोटाले के अतिरिक्त की मैं ये बात कर रहा हूँ, ऐसे मुख्यमंत्री का चेहरा आज पूरे देश में काला हो चुका है। तो अरविंद, सुन लीजिए मेरी बात, हाँ। धैर्य से सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल ऐसे हालत है जैसे किसी को दुष्कर्म करते हुए, कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया हो और वो मुंह छिपाते नहीं बन रहा हो। अरविंद केजरीवाल से जब पत्रकार सवाल पूछता है तो वो पत्रकार की उनकी हैसियत और हिम्मत नहीं हो रही है आज के दिन में कोई सामने जवाब दे। वो आदमी जो रोज लड़ाई करके और गेट क्रैशिंग करता था, वो आदमी संजय सिंह को खिसकाता है, कभी दूसरे को खिसकाता है, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हो रही है कि स्वाति वाल के मल क्या राज है, कौन सा ऐसा राज है जो छुपाना चाहते हैं। रवि जी, ये जानकारी होनी चाहिए, इस देश की जनता को जानना चाहिए, ये मुद्दा कि ये मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वाकई ये कलंक तो नहीं है दिल्ली की कोख। बड़ी बातें, बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं किसी और की तरफ से नहीं, संगीत रागी की तरफ से। रवि श्रीवास्तव 30 सेकंड जवाब दीजिए। जितना भी चाहे ये कोशिश कर ले, इस तरह के मुद्दे उछाल करके जनता सब देख रही है। दिल्ली की पावर कंजम्पशन पिछले 3 दिनों में 7800 मेगावाट क्रॉस कर चुकी है और इसके बावजूद दिल्ली में 1 मिनट का पावर कट नहीं है। इन्हीं के पड़ोस में जहां ये मित्र लोग रहते हैं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, हर जगह पर पावर कट हो रहे हैं और दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल की देन नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला श्रीमान जी, मेरी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप तो ईमानदार थे, ऐसे चोर बेईमानों के साथ आप कैसे खड़े हो, कहां आपकी नैतिकता चली गई, मर गई सारी चीजें, एक भी माई का लाल क्या आम आदमी पार्टी में नहीं है जो नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगे। आप लोगों को शर्म नहीं आती है इस गंदे पनाले को ठीक करने के लिए? रवि श्रीवास्तव जी, बस एक ही बिंदु उठ रहा है ना, रवि श्रीवास्तव जी बीच में बोलेंगे, रवि श्रीवास्तव मैं भी नहीं बोलने दूंगा। नहीं नहीं रवि श्रीवास्तव, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं भी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसे धमकी मत दीजिए, धमकी नहीं चलेगी, धमकी नहीं चलेगी। और मैं एक बात क्लियरली बता दूं, यहाँ सीसीटीवी नहीं है, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर क्लियर कैमरा है, तो एकदम इस चीज को समझ में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। हाँ हाँ, कैमरे पर मैं आपको मौका दूंगी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, मैंने सुन लिया है। रागी जी बीच में बोलते रहे लेकिन आपकी बात सबको सुनाई दी। कह रहा हूँ मैं आपको, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी की आपने बात की, सड़क की बात की, है ना, कोई भी चुनाव आने से पहले, ओके समझ में आ गई मुझे ये बात, मैं समझ गई। बोलने दीजिए ना फिर, अरे समझ तो गई ना, 30 सेकंड और दे दीजिए। अच्छा 20 सेकंड, 30 नहीं, 30 सेकंड और दे दीजिए बस। 1600 बसें, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, 8000 होने वाली हैं वहां पे, ये मित्र हमारे बता रहे हैं, पा दिया मैंने आपको, एक कॉम्पेंसेशन देने की बात जो मार्टियर्स को है, आज पूरा देश उसको फॉलो कर रहा है। नम्बो क्लिनिक के नाम से कर्नाटक के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, एक एक चीज जो कॉपी करते हैं वो कर रहे हैं, स्वास्थ्य के अंदर जो अस्पताल बनाया है, जाके देखिए आप वहां पे, 20 सेकंड ऊपर आप चले गए, आप ये समझिए आपने सब गिना दिया, देश ओके दिल्ली मॉडल कॉपी कर रहा है। शहजादपुरा वाला पूछ तो रहे कि इतना शानदार मॉडल था तो फिर कांग्रेस को काहे सीट देने की जरूरत पड़ गई। आप रुक जाइए, पहले शहजाद पुना वाला बात रखे, उसके बाद आप कहिएगा। मनोज तिवारी के अलावा खड़ा नहीं कर पाए। हाँ ठीक है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल, ने इतना काम किया, ओके बढ़िया सवाल है, शहजाद पुना वाला, ओके बढ़िया सवाल है, क्यों बदले आपने सारे चेहरे, शहजाद पुना वाला।
देखिए सबसे पहले तो बता रहे हैं ये कहते हैं केजरीवाल जी जो रेंट पे राहत पर बाहर आए हैं वो कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन को वायलेट करते, कल हाई कोर्ट का फैसला है सिसोदिया के मामले में और कहा कि इन्होंने प्राइमा फेसाई किया है मनी लॉन्ड्रिंग, इन्होंने शराब घोटाला किया है। और बाकी सब छोड़िए, चन्नी जी ने पंजाब में कहा है कि ये शराब घोटाले का मास्टर माइंड है केजरीवाल, वीडियो चला सकता हूँ। दूसरी बात मैं इनसे पूछा जाता हूँ, इन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल जो कर रही है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने एक बयान दिया कि उनके कपड़े ठीक ठाक लग रहे थे। आतिशी जी ने बयान दिया कि लंगड़ा तो नहीं रही थी। रूबिका जी, कोई भी बेटी हो, कोई भी महिला हो जिसके साथ इस प्रकार का काम हो, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, कोई और पार्टी से हो, कोई भी हो या पार्टी से ना हो, किसी महिला को इसलिए कहना कि वो पीड़ित नहीं है क्योंकि उसके कपड़े फटे नहीं है, क्योंकि वो रो बिलख नहीं रही थी, इस प्रकार की महिला विरोधी सोच क्या स्वीकार्य है क्या? और तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा था यमुना जी को 2020 तक साफ करेंगे, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे, इन्होंने कहा था पंजाब से पराली आती है, पंजाब में सरकार आएगी तो पराली बंद करा देंगे। अब मुझे रवि जी बता दीजिए कि इन तीनों में से कौन सा काम किया आपने? इसीलिए आपके झूठे वादे, आपका हेल्थ मॉडल ऐसा है कि राघव चड्ढा भी ऑपरेशन कराने लंदन चले गए, अब आ गए हैं, राज्यसभा मांगी जा रही है उनसे, वो अलग विषय है। मैं आपसे सिर्फ स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ कि आप बता दीजिए कल हाईकोर्ट ने क्या कहा मनीष सिसोदिया के विषय में और शराब घोटाले के विषय में। जवाब जवाब। किसी भी फर्जी केस के मामले में कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा। अरविंद केजरीवाल जमानत पर है और संजय सिंह बाहर आ चुके हैं और भी नेताओं को जमानत मिलेगी, वो छोड़ दीजिए क्योंकि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है। दोष मुक्त है क्या? बॉन्ड खा लिए शरद रेड्डी से और उसको अपना गवाह बना लिया, ये सब चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट। चन्नी जी क्यों बोल रहे हैं? चन्नी जी ने बोला डींगे हाँकने की जरूरत नहीं है, रवि जी चन्नी जी ने बोला अपना निर्णय कर लेंगे। आप तो मुझे पानी, चन्नी जी ने बोला है शिक्षा स्वास्थ्य इन चीजों का जवाब दीजिए। चलिए शिक्षा पे आते, क्योंकि एक वाक्य शिक्षा पे दे दीजिए। चलो शिक्षा पे ओके। दो हफ्ते पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट मनमोहन सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। टिन के शेड के स्कूल बने हुए हैं और एक क्लासरूम में दो दो क्लासेस चल रही है, हजारों बच्चों के पास ना डेस्क है, ना यूनिफॉर्म है, ना ब्लैक बोर्ड है। ये मनमोहन सिंह जी के ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग है। तीन टर्म तक दिल्ली में काम करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ही बात कही है, हमेशा ओपन कहते हैं अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना, सीधी सी बात है। और काम कर रहे हैं इसीलिए दिल्ली की जनता। तो गुजरात में 27 साल से वोट मिल रहा है हमको, मध्य प्रदेश में 18 साल से मिल रहा है वोट हमको, देश में 10 साल से वोट मिल रहा है हमको, असम में 10 साल से वोट मिल रहा है, हरियाणा में 10 साल से वोट मिल रहा है, महाराष्ट्र में 10 साल से वोट मिल रहा है। अच्छा ठीक है, चलो अब यही कंप्लीट यही कर लेते हैं, चलने दो बोले जाओ। रवि जी कोर्ट की बातों का क्या है? बात सोचो, वोट है तो बताइए, वोट तो सबको मिल रहा है वो सोचो आप, ये आपके क्या अस्पतालों की जर्जर व्यवस्था, आदमी प्राइवेट अस्पतालों में 5 नए अस्पतालों के नाम बता दो रवि जी, दिल्ली के 5 नए अस्पतालों के नाम बता दो। और अरविंद रूबिका जी 5 नए अस्पताल के नाम बता दो, द्वारका में क्या शानदार अस्पताल, अरे नाम बता दो, द्वारका में शानदार, वहाँ पे शानदार नहीं। रागी जी मैं रूबिका हम सब दिल्ली एनसीआर के हैं, 5 नाम बता दो दिल्ली के। सुनिए ठीक है रवि जी आप कह रहे हैं विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, ना तो स्वाति मालीवाल मुद्दा रहने वाली है और ना ही अरविंद केजरीवाल का जो वो शराब घोटाले का मसला चल रहा है, मनीष सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह बाहर वहां मौजूद हैं, बेल पर हैं, ये सब मसला नहीं रहने वाला है। पंकज जी आप भी अग्री करते हैं? तो फिर इस लिहाज से तो विकास अगर मसला है तो रोडों का जो नेटवर्क बिछाया है तो मोदी तो फिर विकास पर बड़ा वोट ले जाएंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर जो है उस पर चल जाएगा, विकास पर अगर जीतने की बात आई तो विकास ले जाएगा। हाँ तो मोदी जी ने अगर विकास किया है और अगर वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो हो सकता है उनको विकास के नाम पर वोट मिले, लेकिन अगर विकास किया होता तो ये मंगलसूत्र और ये सब करने की क्या जरूरत थी। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी प्रॉम्प्ट कर रही है या नहीं कर रही है मुझे नहीं पता, कर रही है तो बुरी बात है, नहीं कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्वाति मालीवाल प्रसंग नहीं होता तो अच्छा होता। तो जैसा मैंने आपको कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को 7 में से अधिकतम 2 सीटें मिलेंगी दिल्ली में,
लेकिन जैसा रूबिका जी आप अच्छी तरह जानती हैं कि 5-7 दिन पहले नरेंद्र भाई मोदी ने अपने को परमात्मा का भेजा हुआ यानी देवदूत घोषित कर दिया है, तो देवदूत जी तो कोई भी चमत्कार दिखाने में सक्षम है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आपसे कहा कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मुझे परमात्मा ने खास तौर पर भेजा है, कुछ विशेष काम पूरे करने के लिए भेजा है, तो फिर देवदूतों की तो लीलाएं अपार होती हैं। दिल्ली में देश में कुछ भी चमत्कार हो सकता है। ये जो अकिंचन मनुष्य हैं, इनके मतदान का दिव्य शक्तियों के प्रतिनिधि के आगे क्या विश्वास है? तो कुछ भी नतीजे आ सकते हैं आने वाले चुनाव में, क्योंकि देवदूत जी को तो प्रभु ने स्वयं बनाया हाथ से, उन्हें वो कंपटीशन ठेके पे बनवाए गए। लेकिन ये जो ठेके पे बनवाए गए साधारण मनुष्य हैं, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी आम मानवी कहते हैं, तो वो आम मानवी इस बार के चुनावों में अपने फैसले का जलवा दिखाएंगे। पर पंकज जी, इस तरीके की आपकी शब्दावली तब तो नहीं थी जब सोनिया गांधी का मंदिर बनवा दिया गया था, उनको बकायदा देवी रूप देवी अवतार बता दिया गया था, तब तो आपने इस तरीके से नहीं कहा था कि वो देव तुल्य हैं और वो देवी तुल्य हैं। सोनिया गांधी के मंदिर, मैं सोनिया गांधी का मंदिर बनाने की भी तायद नहीं करता, और मैं कहता हूं कि अगर किसी ने बनाया तो उस वक्त तो आप चुप ही साथ गए थे। शहजाद पुनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज जी की बात जाओ जो कह रहे ना, आज मैं बड़ा खुश हूँ कि पंकज जी ने ऑफिशियल राम मंदिर बेकार कहा जाता है, राम जी का अस्तित्व नहीं कहा जाता है, राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए ये कहा जाता है, तो उनको कोई समस्या नहीं होती। और अगर कोई भक्त ये कह दे कि मैं तो कुछ नहीं हूं और मैं विनम्रता से कहता हूं कि जो भी मुझसे करवाया जा रहा है ये एक ऊपर ईश्वरी ताकत है जो मेरे जरिए करवा रही है, तो उसमें उनको बड़ी समस्या होती है। मतलब राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वालों से नहीं, और जो राम को ही सब कुछ मान के अपने काम को भी राम का काम बताता है उससे उनको समस्या है। तो आज पंकज जी ने अपने नाम के विपरीत जाकर, वैसे इनके नाम का नाम का मतलब है कमल, कमल तो आप बता दीजिए माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के नाभि से निकलता है, पर इनके कमल में केवल एक राजीव गांधी की ही मानसिकता दिखाई दे, राजीव का भी मतलब कमल है, तो ये राजीव भक्ति में ज्यादा लीन है, हम राम भक्ति में। परंतु एक सवाल मेरा एक सवाल है, चन्नी जी ने कहा अभी 2 दिन पहले और संगीत जी इसके गवाह है कि उन्होंने कहा शराब घोटाले में ये मास्टरमाइंड है, आप स्वीकारते नहीं स्वीकारते केजरीवाल के? पंकज जी 10 सेकंड में जवाब। क्या मैं समझा नहीं, चन्नी जी ने क्या कहा? चन्नी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला, शराब घोटाला हुआ है, केजरीवाल जी का नाम बकायदा उन्होंने ले लिया है। और पंजाब में भी हुआ ये काम, तो अगर शराब घोटाला हुआ है तो उसकी कोई उसका समर्थन नहीं करता है, कार्रवाई हो। अगर स्वाति मालीवाल के साथ कोई अत्याचार हुआ है, कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, तो कोई उसका समर्थन नहीं करता, कम से कम मैं तो नहीं करता, जरूर कार्रवाई हो। किसने समर्थन किया? तो विभव के लिए प्रदर्शन निकला, मनीष सिसोदिया के लिए नहीं निकला, सत्येंद्र जैन के लिए नहीं निकला। अगर स्वाति प्रियंका गांधी तक ने कहा कि मैं स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी हूँ, अगर राधिका खेड़ा के साथ खड़ी हो जाती है तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ, राधिका खेड़ा के साथ खड़ी हो जाती है, कार्रवाई हूँ। प्रदर्शन किया गया विभव कुमार के लिए, संगीत रागी जी ये ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि मान लीजिए कि एक पार्टी के खिलाफ कोई महिला आरोप लगाती है और उस पार्टी के तमाम लोगों के सामने माइक रखा जाए तो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे उनको सांप ने डस लिया है। यही काम स्वाति मालीवाल पे हुआ, राधिका खेड़ा पर हुआ, और मुझे तो ताज्जुब है कि जो महिला कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में गई, प्रियंका चतुर्वेदी वो इसी मसले को उठाकर गई थी, आज वो साथ दे रही है कांग्रेस का। देखिए मैं इसे क्या कहें, इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं कि स्वाति मालीवाल एक ऐसे व्यक्तित्व की महिला थी, एक बहादुर महिला जो दुर्दिन के क्षण में भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रही। ऐसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल के आने के बावजूद भी उनका आप यदि आप ट्विटर अकाउंट देखें तो लगातार उनके पक्ष में बात करती रही और बहुत जोश के बाद बात करती रही। अरविंद केजरीवाल को कुआं और खाई के बीच में चुनाव करना था, स्वाति मालीवाल जो है उनके बहुत सारे गुनाहों के दुष्कर्मों के राजदार हैं, गलत कामों के राजदार हैं। दुष्कर्म का मतलब आप लोग अन्यथा वो सब मत ले लीजिएगा, कई गलत उनके कामों के वो राजदार हैं। विभव कुमार भी जो है वो मुख्यमंत्री के गलत कामों के राजदार हैं। अब इनको चुनाव करना था कि सबसे ज्यादा इनमें दोनों के बीच में हमको कौन डैमेज कर सकता है और किस पे हम अटैक कर करके हम इससे बच सकते हैं। तो विभव कुमार को तो कहते नहीं क्योंकि पत्नी उनके साथ है, विभव कुमार के साथ केजरीवाल की पत्नी खड़ी है, दोनों भाई बहन का रिश्ता है उनका,
वो बहन के लिए जो है वो थप्पड़ चला दिया एक महिला पे, तो उनके लिए वो खड़ी हुई, क्योंकि यदि विभव के साथ नहीं खड़े होते, स्वाति मालीवाल के साथ खड़े होते, तो अरविंद केजरीवाल अपने घर में भी कुटाई खाते, वो घर में भी कूटे जाते, घर में भी पीटे जाते। तो ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल उस, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये चुनाव करना अरविंद केजरीवाल के पास था कि हमको इसमें कम डैमेज किसमें हो रहा है, और उन्होंने सोचा कि अरे एक महिला है, महिला के खिलाफ जो महिला जो है वो कितना दूर तक हमको जा सकती है रवि जी। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि स्वाति मालीवाल ने कल क्या ट्वीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दर्शकों को जानना चाहिए, कहा कि हमारे पर्सनल वीडियो खोजे जा रहे हैं, मंगाए जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ताकि उस महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सके, उनका उनको पब्लिक डोमेन में बेइज्जत किया जा सके। पर रवि जी आप बताइए ना, स्वाति मालीवाल के साथ खड़े होने में दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, स्वाति मालीवाल और विभव कुमार दोनों की काउंटर FIR है, अदालत में मामला चल रहा है। हाँ। मगर ये जो मेरे मित्र अभी बता रहे थे, ये सबके बेडरूम में झांकते हैं जाकर के, इनको पता है कौन पति पत्नी को अपनी मारने वाला है, कौन किसका भाई है, बहुत कम कौन है, किसकी बहन है। अरे भाई, हमारे को जवाब देना था कि वो अपने बेडरूम में बैठे हुए एक महिला को मुख्यमंत्री आवास में ड्राइंग रूम में क्यों पिटवा रहे हैं? हम नहीं झांक रहे हैं, सीसीटीवी झांक रहा है, पोजीशन है। मैं आपकी तरह से घरों में झांकता नहीं जा करके, सर मैं झांक नहीं रहा हूँ, ये जो चुकी पब्लिक डोमेन में आ चुका है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। दो चीजें पब्लिक डोमेन में, आखिर मुंह छुपाए हुए अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे थे? अरविंद केजरीवाल की हिम्मत थी तो पत्रकारों के सवाल को जवाब नहीं दिया खुले में। अरे संजय सिंह को क्यों भेजा? संजय सिंह को क्यों भेजा? अखिलेश यादव को क्यों भेजा? पहले रवि श्रीवास्तव को पूरी बात तो रख लेने दीजिए, उनको पूरी बात रख लेने दीजिए। रवि जी मुझे ये बताइए, इनको पता नहीं क्या बीमारी है दोनों को, ये बीच में जरूर बोलना है। अरे भाई, तुम्हारी बात कर रहे थे तो हमने भी बोला ना। अच्छा ठीक है, सुन लिया ना रवि जी, अब मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए रेफरी, अपन बाद में बन लेंगे। मुझे एक बात बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है, वो सौरभ भारद्वाज का मुझे बयान अचानक याद आ गया कि ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमराज नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पर्सनल रूम में सीसीटीवी कैमरा है, बेडरूम में, और जो उनका पर्सनल इलाका है वहां सीसीटीवी कैमरा है, तो शक नहीं होगा सर? देखिए रूबिका जी, ये मुख्यमंत्री का निवास है, है? उसमें कहां कहां पर किसकी किस किस प्रोटोकॉल के तहत सीसीटीवी और कैमरा लगाए गए हैं, इनकी सारी जानकारी तो दिल्ली पुलिस के पास है ना, ऐसे वो ढूंढ लेंगे जाकर के, उनको मिल गया कागज जो चाहिए था, उनको जो वीडियो चाहिए वो हाँ? कर लेंगे उसको, कोई ऐसे हम कैसे, लोग तो किसी और लोग के सीएम तो है नहीं। देखिए कि भाई ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, पर बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा होगा। जो 52 सेकंड का वीडियो है हाँ? वो मोबाइल पे रिकॉर्ड किया हुआ है, वो सबके सामने आ गया। मुझे सिर्फ एक बात मुझे पूछनी, जो बाहर निकलने का वीडियो है वो भी सबके सामने आ गया, वो आराम से शांति से चलती हुई जा रही है, ड्राइंग रूम में बैठ के भी पाँव पे पाँव रख के वो कह रही है मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, विभव कुमार को वो गालियां दे रही है और कह रही है कि मैंने फोन कर दिया ऑलरेडी, तो इसका मतलब जो भी आरोप लगाया गया कि मारपीट हुई है उसके पहले हो गई है। एक बात आप सुन लीजिए, एक महिला हूँ, एक बात सुन लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग महिला कभी भी जैसा आप सोच रहे हैं कि एक लात पड़ जाएगी, एक घूसा पड़ जाएगी, तो रोने बिलखने लगेगी, अपनी चूड़ियां तोड़ने लगेगी और उसके बाद बदहवास सी इधर से उधर घूमने लगी, एक स्ट्रॉन्ग महिला वो काम करने से बचेगी। प्लीज आप इस तरीके से मत कहिए कि वो पांव पे पांव रखकर, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रही है। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि नहीं वो नहीं पिटी है? अभी तो कोर्ट में मामला था, जब विभव पर मैं सवाल उठा रही थी। आप वीडियो देखिए जा करके। अरे वीडियो कैसे सब बता रहे हैं? ऐसे बहुत से वीडियो दूसरी तरफ से भी आए हैं, उस पर तो आपको नहीं लगा कि मामला है? कोर्ट देखेगा, मामला जो है इस साइड का है कि नहीं है? गलत है, आपके तरफ की महिला हो तो आप मर मिट जाएंगे, और दूसरी तरफ से अगर महिला आप पर आरोप लगाने लगे तो कर रही है स्वाति मालीवाल पे। अरे बड़ा मुद्दा है ना स्वाति मालीवाल, क्यों नहीं करूंगी बात शहजादपुरा वाला? फॉरेन फंडिंग के मुद्दे पे भी बात कर ले। हाँ करनी चाहिए, फॉरेन फंडिंग भी कर लेते हैं ना, फॉरेन फंडिंग छोड़े
सब पे बात करेंगे, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने देखिए बीच में नहीं बोला। ठीक है रवि जी, अच्छा है आपने, अच्छा है, सब पर बात कर लेते हैं, हाँ सारे मुद्दों पर बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण बल्कि चरित्रहरण भी हो रहा है। बताइए कि अब एक महिला को, वैसे हमको पीड़ित मुझे लगता है रूबिका जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे लगता है मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अच्छा वो बोल दे फिर उसके बाद में अपनी बात। रूबिका जी मेरी बातों का सम्मान नहीं है ना दर्शकों के पास। रवि जी आप मेरी बात सुनते हैं, आप मेरी बात सुनते हैं, टालते नहीं हैं, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, अब रुक जाइए, इतना गुस्सा आप विभव के खिलाफ दिखाई दे रहा सर, अब रुक जाइए। शहजादपुरा वाला चाहिए प्लीज, वक्त की कमी है महिला की। ओके क्या किया महिला का? ओके रवि जी डन, रवि जी सुन लिया। शहजाद पुनावाला स्क्रीन पर देखिए, जब कोर्ट ने विभव कुमार की 5 दिन की रिमांड दी तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, फाइंडिंग दी है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया। बताइए दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का दावा करते हैं, अपना सीसीटीवी फुटेज डिलीट करते हैं, फोन फॉर्मेट कर दिया गया, क्यों ये किया गया, सीन ऑफ क्राइम पर वो उनको क्यों प्रोटेक्शन दी जा रही थी। तो ये सवाल का जवाब देने के बदले आप स्वाति मालीवाल के खिलाफ जाकर, और संजय सिंह सही कह रहे थे गलत कह रहे, अब हम संजय सिंह ने जो कहा था वो गलत कहा था सही कहा था, ये अब जनता के सामने है सर। स्वाति मालेवाल मुद्दा होता है, अरविंद केजरीवाल का जेल से निकलना या जेल जाना मुद्दा होता है या दूसरी बात है, ये जनता तय करेगी और हम भी देख रहे हैं, आप भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।